अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज तैयार कर लेते हैं मेरे साथ बहुत ही मस्त ज़बरदस्त सा चिकन दो प्याज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ डिटेल रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। उससे पहले आप याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेंगे मैरिनेशन, जिसके लिए एक बोल में मैंने ले लिया है 1 kg ऑफ चिकन। उसमें ऐड कर लेंगे हम 1 whole लेमन जूस, 2 tablespoons of curd, 1 tablespoon of ginger garlic paste, एंड यहाँ पे मैंने मसाले ऐड किए हैं, जिसके लिए 3 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon चिकन मसाला, 1 teaspoon जीरा पाउडर, 3 teaspoons of red chili powder, 1/2 teaspoon of हल्दी, 1/2 teaspoon of black pepper powder। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे एंड इसे मैरिनेट होने रख देंगे हम लगभग 1/2 hour के लिए। अगर आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट्स मिस हो जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल रेसिपी ऐड कर ली है, आप वहाँ से इंग्रेडिएंट्स चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक पैन में मैंने ले लिया था 2 to 3 tablespoon ऑफ ऑयल। उसमें हम फ्राई कर लेंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन। अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक कि दोनों बाजू से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए एंड फुल्ली कुक ना हो जाए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए ले लेंगे कढ़ाई में 1/2 cup ऑफ ऑयल। उसमें ऐड कर लेंगे 1 teaspoon जीरा, 3 cloves, 3 small ilaichis एंड 1 big ilaichi। ये खड़े गरम मसालों को हम 1 to 1.5 minutes के लिए भून लेंगे। एंड देन यहाँ पर मैंने 3 medium onion ले लिए थे, जिसे मैंने चॉप कर लिया था। चॉप किए हुए अनियंस ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसे सौते कर लेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन सा ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अनियन का कलर चेंज हो गया है। हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 2 large tomatoes का यहाँ पे मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, उसे ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से भून लेंगे। देन इसमें मैंने ऐड कर लिया था 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। 1 1/2 teaspoon ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द मसालों के लिए मैंने लिया था 1 teaspoon चिकन मसाला, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon जीरा पाउडर, 1 tablespoon नॉर्मल रेड चिली पाउडर। अच्छी तरीके से सारे मसालों को हम भून लेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। एंड जो मसालों की रॉ स्मेल आती है, रॉ फ्लेवर रहता है, वो हट जाए। अच्छी तरीके से भून लेने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 cup ऑफ बीटन कर्ड। थोड़ी देर अच्छी तरीके से और भून लेने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारे फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस। चिकन के पीसेस ऐड कर लेने के बाद मैंने 1/2 glass ऑफ वाटर ऐड कर लिया था, ताकि अच्छी तरीके से ये मॉइस्ट हो जाए। एंड लगभग हम इसे दम पे रख देंगे 5 to 7 minutes के लिए। बाय द टाइम हमारा चिकन यहाँ पे दम पर था, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स सौते कर लिए थे, जिसके लिए मैंने लिया था एक पैन में 1 tablespoon ऑफ ऑयल एंड 2 tablespoons ऑफ बटर। ऑयल एंड बटर गर्म हो जाने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे हम 4 to 5 बटन चिलीज एंड यहाँ पे मैंने 4 to 5 ग्रीन चिली स्लिटेड, 2 medium onion जिसे मैंने डाइसेस में कट कर लिया था, 2 green capsicum जिसे मैंने डाइसेस में कट कर लिया था एंड लास्ट में 1 deseeded tomato जिसे मैंने अगेन डाइसेस में कट कर लिया था। अच्छी तरीके से हम इसे सौते कर लेंगे। सौते कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं हम इसे कुक कर लेंगे, थोड़े से क्रंची रहने देंगे हम वेजिटेबल्स को। यहाँ पे ग्रेवी में हम ऐड कर लेंगे 1 tablespoon ऑफ कसूरी मेथी, 1/2 lemon का जूस, चॉप किया हुआ पुदीना एंड चॉप किया हुआ धनिया एंड देन जो सॉटेड वेजिटेबल्स थी हमारी उसे ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे। 1 to 2 minutes के लिए दम पर रख देंगे एंड गर्मा गर्म हमारे चिकन दो प्याज़ा को कर लेंगे हम सर्व। इसे आप प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, नान पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर कीजिए। आते रहोगे आपके पास ऐसी और रेसिपीज़ के साथ। बाय द टाइम आप ये चिकन दो प्याज़ा बनाए खाए एंड एन्जॉय कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।